प्रदेश भर से आप लोग आए हो, आज सीपी सैनी को जिस तरीके से आज पेश किया गया है उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आज जो ये जो लड़ाई है ये अकेले सीपी सैनी जी की लड़ाई नहीं है। सीपी सैनी जी ने एक समाज में हमारे में एक अलख जगाई थी और एक हमारे सोए हुए समाज को, जो कभी हमेशा हमारे समाज को दबा कुचला समझ के हर चीज़ों के अंदर हम पीछे हैं, उन्होंने सीपी भाई ने इसको सबको अलग जगह के प्रदेश प्रदेश में पूरे कोने कोने में जाके तमाम जगह के जो लोग हैं वो जयपुर पधारे थे और जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर 15 तारीख को सुबह से ही तमाम लोग हमारे सैनी समाज के वहाँ आए हुए थे, जिसमें बुजुर्ग और नौजवान साथियाँ माताएँ मैंने सभी आई हुई थी। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारा इस आंदोलन को सीपी सैनी जी के द्वारा और हमारे सभी साथियों के द्वारा पूरे प्रदेश भर की टीम के द्वारा उसको शांतिपूर्ण तरीके से निर्धारित किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। इसके उपरांत राजस्थान सरकार की ओर से हमारे को 5 सदस्य कमेटी बनाने का एक आह्वान किया गया था, उसमें से हम सीपी सैनी जी के द्वारा एक 5 सदस्य कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का वहाँ जाके उनको बात की गई थी कई मंत्रियों और कई IAS अधिकारियों के द्वारा, लेकिन पोजीशन यह हुआ कि वो पूरी बात नहीं बन पाई और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। सीपी भाई उसका पूर्ण तरीके से आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी से हमारे समाज के लोगों से अपील कर रहे थे, लेकिन किस कारणवश इस तरीके से पुलिस के द्वारा जो निर्दयतापूर्वक जो लाठी चार्ज किया गया था, पूरे समाज के जो हमारे नवयुवक जो लोग हैं वो लगभग 84 लोग हमारे पुलिस के ने अपनी गिरफ्त में ले ली और अभी लगभग 10 मिनट पहले ही सभी को यहाँ पेश किया गया है। मैं पूरे समाज से सैनी समाज से अपील करना चाहूँगा कि ये लड़ाई अकेले सीपी सैनी की नहीं होकर पूरी सैनी समाज की लड़ाई है और पूरा समाज प्रदेश भर आज देख रहा है और सीपी सैनी जी की ओर सब अपनी नज़रें लगाए टकटकी देख रहे हैं। कुछ ही टाइम में कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। हम सब भगवान से दुआ करते हैं कि सभी की हमारे सारे भाइयों की जमानत अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ कोर्ट के द्वारा हो जाएगी, उसके बाद में एक नई रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और सीपी भाई के नेतृत्व में मैं तो सभी प्रदेशवासियों से पूरे सैनी समाज के हमारे जो संगठन के लोग हैं अलग अलग पूरे ज़िले के अंदर जो संगठन बने हुए हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ कि आज वो समय हमारा आ गया है और सब हम एक जाजम पे बैठे हैं, उसमें कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। ये लड़ाई अकेले सीपी सैनी जी की नहीं होकर पूरे सैनी समाज की लड़ाई है। जय ज्योति, जय क्रांति।